हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5.8 है, जो क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज अ फ्लावर एंड डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो यार, फ्लावर सबसे पहले क्या होता है, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो हम इस क्वेश्चन को भी इसके क्वेश्चन के आंसर को भी हम दो पार्ट्स में ही डिवाइड करके लिख रहे होंगे। सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर के बारे में, जैसे ही फ्लावर का नाम आता है, क्या चीज़ें सामने आती है, क्या चीज़ें दिमाग में आती है, फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मानते हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, मानते हो? यस। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहीं पर ही होता है। इसको हम मॉडिफाइड शूट भी बोल सकते हैं। जो हमारा शूट पार्ट होता है ना, वो मॉडिफाई हो जाता है जब उस तने के ऊपर फ्लोरल फ्लावर्स आने लग जाते हैं, तब हम उसको पेडंकल बुलाने लगते हैं, राइट? तो मॉडिफाइड शूट होता है ये, शूट उसमें मॉडिफाई हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फ्लावर बोलने लग, मतलब मॉडिफाइड शूट को ही हम फ्लावर बोलने लगते हैं। साथ ही में शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि शूट के ऊपर प्रेजेंट था, जो तने के ऊपर प्रेजेंट था, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर, क्योंकि अब फ्लावर्स आने लग गए तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। अब फ्लावर की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो चार पार्ट्स होते हैं, है ना, फ्लावर के अंदर चार पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, जो सबसे आउटर साइड होता है बच्चों, वो हो जाता है कैलिक्स। फिर नंबर टू पे आ जाता है कोरोला। नंबर थ्री के ऊपर आ जाता है आपके पास में एंड्रोशियम। नंबर फोर पे आ जाता है आपके पास में गाइनोशियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स क्या होता है, या जो सबसे पहले जो फ्लावर कभी आपने देखा होगा, तो सबसे बाहर की साइड में जो पत्तियां सी ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड द सेपल्स। तो जब सेपल्स का ग्रुप होता है उसको हम कैलिक्स बोल देते हैं, और उसके बाहर जो कलरफुल पत्तियां आपको फ्लावर की दिखाई देती है वो पेटल्स कहलाते हैं, पेटल के ग्रुप हम कोरोला कह देते हैं, राइट? तो कैलिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का। होल का मतलब है आउटर मोस्ट चक्कर। सबसे बाहर की साइड में कैलिक्स होता है, फिर कोरोला होता है, देन एंड्रोशियम होता है, देन गाइनोशियम होता है। तो कैलिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का आउटर मोस्ट होल जो होता है दैट इज कॉल्ड द कैलिक्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेपल्स। ठीक है, सेपल्स का बना हुआ होता है। यार, ये सबसे बाहर की साइड में होता है इसलिए प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, कभी भी रिप्रोडक्शन में ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। नंबर टू के ऊपर आपका आ जाता है कोरोला, और कोरोला जो होगा वो इसके बाद में कैलिक्स के अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है, और ये कलरफुल होता है। तो कलरफुल होने के पीछे इसका रीज़न ये होता है कि ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, राइट? कोरोला जो होता है कलरफुल होता है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होता है, क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन हमेशा और हमेशा इंसेक्ट्स, मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पर एंजियोस्पर्म में इंसेक्ट्स ही पॉलिनेशन कर रहे होते हैं। हालांकि पॉलिनेशन करने के लिए विंड और वाटर भी होता है, लेकिन इंसेक्ट्स यहाँ पर पॉलिनेशन कर रहे होते हैं। तो इंसेक्ट्स क्यों अट्रैक्ट होंगे फ्लावर को देखकर, ऑब्वियसली बात है, अगर फ्लावर बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, अच्छी खुशबू उसमें आ रही होगी, है ना, तभी अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए ये वाला पार्ट कलरफुल होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इंसेक्ट आए, उनकी उनके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपके, वो पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाकर चले जाए, स्टिग्मा तक पहुंच जाए। तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर वो पहुंच जाएंगे तो वो पोर्शन, वो चीज़ क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन कहलाएगी। ठीक है, सो कोरोला जो होता है वो इसमें हेल्प हमें करता है। ठीक है, सो कोरोला जो होते हैं ब्राइट कलर के होंगे आपके पास में, और पॉलिनेशन करते हैं, तो ये पॉलिनेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, नंबर थ्री के ऊपर आपके पास में आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाते हैं स्टेमन। तो स्टेमन का ग्रुप जो होता है ना वो एंड्रोशियम कहलाता है, है ना, और यही आपका जो है आगे जाके क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा। ऑब्वियसली बात है, यहीं पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, आप बात कर सकते हैं स्टेमन के दो पार्ट हो सकते हैं। एक होता है जो बहुत बड़ा सा धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड एक होता है आपके पास में एंथर इसका। ठीक है, तो फिलामेंट और एंथर दो पार्ट हो सकते हैं। नंबर फोर के पास में आपका आ जाता है गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और गाइनोशियम किसका ग्रुप होता है, कार्पल या पिस्टल का।
कार्पल या पिस्टल के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, गाइनोशियम। तो कार्पल या पिस्टल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर नीचे ओवरी प्रेजेंट होती है, ऊपर स्टाइल होती है, फिर ये स्टिग्मा होती है, ठीक है। तो ये स्टिग्मा हो गई, फिर हो गई स्टाइल, और फिर हो गई ओवरी। तो कुछ इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कार्पल हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर के और फ्लावर का डेफिनेशन क्या होता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप सो कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड आप सभी फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर रहे होंगे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।